एबीपीएस न्यूज सच का साथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएस न्यूज। आज हम बात करेंगे अध्यक्ष जी, ये जो आपने आज कोर कमेटी का आयोजन किया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी आगे रणनीति क्या है? रमाकांत जी, सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। आज जो हमने ये बैठक बुलाई है 2019 के चुनाव को मद्देनजर रख के बुलाई है, तो राष्ट्रीय कमेटी के सारे लोगों से राय लेना था कि 2019 का चुनाव हम लड़े या ना लड़े, या लड़ेंगे तो फिर कैसे लड़ेंगे, फिर कहाँ कहाँ लड़ेंगे। तो आज इसी पर चर्चा हुई है, जिसमें दिल्ली से चल करके मेरे साथ में भाई राजेश जी हैं जो मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, और पश्चिम बंगाल से चल करके भाई क्या ना डी मंडल जी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रसेन गौतम जी हैं। तो आज सारी टीम के लोग और हैं, तो आज हमें इससे पे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। तो डी मंडल जी ने भी जिम्मेदारी ली है कि पश्चिम बंगाल में भी कम से कम दो सीटों पे मैं प्रत्याशी उतार दूंगा, और दिल्ली से भाई राजेश जी ने जिम्मेदारी ली है कि कम से कम दो प्रत्याशी दिल्ली से हम लोकसभा में चुनाव उतारेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो हमारी जिम्मेदारी रखी है हमारे साथ में मिलकर के कि हम लोग मिलकर ही कम से कम 5 प्रत्याशी आज उतारेंगे, और कैसे चुनाव लड़ेंगे उसकी रणनीति अब हम तय कर लिए। मैं आपको नहीं बता सकते हैं कि कैसे लड़ेंगे, लेकिन ये है कि मानव क्रांति पार्टी का परचम पूरे देश में लहराएगा, क्योंकि मानव क्रांति पार्टी की विचारधारा मानवीय विचारधारा है, मानव से मानव को जोड़ने की विचारधारा है। तो सारे लोग इस विषय पर सहमत जताए कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए, इसके लिए हमें घर घर भीख मांगना पड़ेगा, तो हम 1-1 रुपया लोगों से भीख मांग करके अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। आज की कोर मीटिंग में कहाँ कहाँ से लोग आए? आज की मीटिंग में आपको सामने दिल्ली से चल के भाई राजेश जी आए हैं, पश्चिम बंगाल से डी मंडल जी हैं, और लखनऊ से इधर मुकेश जी हैं, कानपुर से चल करके हमारे भाई राम गोपाल वर्मा जी हैं और किरण वर्मा जी हैं, और पीलीभीत से चल करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रसेन गौतम जी। क्या लोकसभा चुनाव 2019 के बाद 2022 में भी आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? जी, तैयारी तो पूरी 22 की, तो हमारा पूरा लक्ष्य है। 19 तो हम ये है कि दिखा देना चाहते हैं कि मानव क्रांति पार्टी, जो लोग समझ रहे हैं कि ये कैसे, ये कुछ नहीं है, जो हमें समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे हैं, तो हम ये चुनाव लड़के दिखा देंगे कि हमारे पास बहुत ताकत है, हम एक नहीं कई राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, और 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का लक्ष्य है कि मानव क्रांति पार्टी की सरकार बनेगी, पूरे विधानसभा में 403 सीटों में हम चुनाव लड़ाएंगे 2022 में। वर्तमान समय की सरकार में जो कानून व्यवस्था है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह से ध्वस्त है। जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी, अपने वादे में पूरी तरह से विमुख है। आज जो कानून व्यवस्था है बहुत ही लचर है, यहाँ मर्डर हो रहे हैं। कोई जितना अखिलेश सरकार में जैसे बोलते थे कि उस समय कानून व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है, उससे कहीं कई गुना ज्यादा इस सरकार में कानून व्यवस्था जर्जर है। यहाँ पर आए दिन हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार हो रहे हैं, जिसपे सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मी भी मारे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था कितनी लचर है यहाँ की। निश्चित तौर से मानव क्रांति पार्टी आएगी तो इस व्यवस्था को दुरुस्त करेगी, गुंडा राज समाप्त करेंगे हम, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे हम, और मानव को मानव बनाने का काम करेंगे। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राम मंदिर बन पाएगा 2019 में? देखिए, इस विषय में क्योंकि मैं मंदिर के पक्ष में नहीं हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि राम मंदिर बन पाएगा। और राम मंदिर बन जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर यह सरकार बनाना चाहते, इसलिए चाहेंगे ही नहीं कि राम मंदिर बने। तो मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर बन जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो एक मुद्दा है और उस मुद्दे को वो जीवित रखना चाहती है, जिससे हिंदुत्व के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे हमारी सरकार बन जाए, ये उनकी सोच है। तो मुझे नहीं लगता है कि राम मंदिर बनेगा, और मैं तो पक्ष में ही नहीं हूँ राम मंदिर ना मस्जिद। मेरे लिए, मैं तो मानववादी व्यक्ति हूँ, मानववाद की बात करता हूँ।